गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल क्लास 7। आज हम पढ़ेंगे सिक्स चैप्टर को। अपन ने कंप्लीट कर सिक्स चैप्टर का आधा अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे और पढ़ेंगे। देखिए, कुछ दिनों बाद एक सुबह वह अखबार लेकर आया और मुझसे कहने लगा, देखो मैं क्या लाया हूँ, टाइम्स अखबार, ताजा अखबार गांधी जी के लिए लेकर आया हूं, तुम ले जाओ और गांधी जी को दे दो। उन दिनों सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र नहीं मिलते थे, इस बात की सख्त मनाही थी। फिर भी बाहर की दुनिया में क्या होता है यह जानने के लिए इच्छा सत्याग्रही कैदियों को रहा करती थी, जो स्वाभाविक भी थी। अतः वे वार्डन या बाहर जाते कैदियों द्वारा अखबार मंगवाते। आदम को भी इस बात की जानकारी होगी। उसे ऐसा लगा होगा कि गांधी जी को भी अखबार पढ़ने की इच्छा होती होगी। इस कारण कुछ व्यवस्था कर वह अखबार ले आया, परंतु गांधी जी के विचार तो दूसरे कैदियों से बिल्कुल अलग ही थे। उनकी लड़ाई सत्याग्रही की थी और उनके अनुसार यदि कानून या नियम को भंग भी करना था तो सभी ने। वो क्या है, आदम अखबार लेकर आया गांधी जी के लिए, पर वो गांधी जी कैसे थे, सत्याग्रही थे, और अगर उसी कानून को तोड़ते भी थे तो सभी ने इसे तोड़ा करते थे। एक बार सजा होने के बाद जेल के नियमों को अच्छी तरह मानना चाहिए, ऐसा वह कहते थे। उनका कहना था कि यदि इन नियमों को नहीं माना है, अगर आपको इन नियमों को नहीं मानना है तो स्पष्ट विरोध करना चाहिए। अगर हमें इन नियमों को नहीं मानना तो हमें आगे आकर इनका विरोध करना चाहिए। चोरी से, लुका छुपी से, कायदे कानून का विरोध हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः आदम द्वारा लाया गया वह अखबार गांधी जी ने नहीं देखा, ठीक है, यह मैं पहले ही जानता था। मैंने यह बात आदम को समझाई थी, परंतु यह बात उसके दिमाग में नहीं बैठी। कहने लगा, तुम नहीं दे सकते तो मैं ही दे दूंगा। इतना कहकर वह सामने के कमरे में गया और गांधी जी के हाथों में अखबार दे दिया। गांधी जी ने प्रश्न सूचक दृष्टि से उसकी ओर देखा और पूछा, आदम यह क्या है? आदम हंसकर कहने लगा, महाराज अखबार है, ताजा खबर, ताजा अखबार तुम्हारे लिए लाया हूँ। गांधी जी ने तुरंत उत्तर दिया, यह अखबार मैं नहीं देख सकता, यह बात कानून के खिलाफ है, तुम वापस ले जाओ। आदम उन्हें समझाने लगा, ताजा अखबार है, सब लोग अखबार देखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल से लाया हूँ। गांधी जी ने कहा, यह सब मैं समझता हूँ, लेकिन कानून के खिलाफ है ये, इसलिए मैं नहीं देख सकता, तुम इसे ले जाओ नहीं तो मुझे शिकायत करनी होगी। अब उसने क्या करा, गांधी जी को अखबार दिया, गांधी जी ने पढ़ने से मना कर दिया और क्या कहा, ये कानून के खिलाफ है, जेल के कानूनों के खिलाफ है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ूंगा और अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती करी तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। आदम निराश हो गया, कुछ घबराया भी, और आदम क्या है, निराश हो गया और घबरा गया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वह गांधी जी के पास से आकर मुझसे कहने लगा, महाराज कानून के खिलाफ है, किसका कानून, सरकार तो बुरी है, बुरी सरकार के कानून का क्या करना, लेकिन गांधी जी मजहबी
मजहबी आदमी हैं, वे हमारी बात नहीं सुनते, आप उन्हें समझाइए। अब वो क्या बोलने लगा, आप उनको समझाइए, मेरी बात तो वो सुनेंगे नहीं। मैंने कहा मुझसे यह काम नहीं हो सकता, गांधी जी ऐसी बातें कभी नहीं सुनेंगे, उल्टे मुझसे ही नाराज हो जाएंगे। इससे वह दुखी हुआ। इतना अधिक जोखिम उठाकर लाया गया अखबार फाड़ डाला जाए या फिर जला दिया जाए, यह उसे अच्छा नहीं लगा। किसी भी तरह गांधी जी वह अखबार देखें तो उसकी मेहनत, उसका साहस सफल हो। अतः वह मन ही मन विचार करने लगा, फिर कोई युक्ति सूझी तो वह उठकर गांधी जी के पास गया और कहने लगा, आप तो बहुत बहुत बड़े मजहबी हैं, आप अखबार नहीं देखेंगे, लेकिन हमको यहाँ जेल में आए काफी दिन गुजर गए हैं, हमारे मुल्क का क्या समाचार है, यह देखो और हमको सुना दो। अब उसने एक तरकीब सोची कि मैं ऐसे तो गांधी जी अखबार पढ़ेंगे नहीं, तो उसने एक तरकीब सोची और तरकीब से उन्होंने गांधी जी को मनाया। फिर आगे देखिए, आदम की यह बात सुनकर गांधी जी को हंसी आई, वे समझ गए कि अखबार पढ़ने की यह एक युक्ति है, उनको तो समझ में आ गया, लेकिन फिर सोचा कि इसका इतना अधिक आग्रह है तो नाराज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अखबार पढ़ा और सोमाली लैंड में जो लड़ाई चल रही थी उस विषय का जो समाचार छपा था उसे सुनाया। उससे आदम बहुत खुश हुआ और तुरंत बाहर आकर छोटे बालकों की तरह हंस हंस कर कहने लगा, देखो गांधी जी ने अखबार पढ़ लिया, मैंने उन्हें कैसे मना लिया। तो वो गया और अखबार उसने कहा कि ये मेरा अखबार पढ़ दो, मुझे अपने देश का, मैं तो बहुत दिन से यहाँ रह रहा हूँ तो मुझे अपने देश का समाचार सुनना है, आप मेरे को पढ़कर सुना दो। गांधी जी ने कहा बार बार ये कह रहा है तो मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। उसको अखबार पढ़ के सुनाया तो वो बहुत खुश हो गया, और छोटे बच्चे रहते हैं इसी प्रकार से छोटे बालकों की तरह वो उछलने लगा और खुश हो गया कि गांधी जी ने मेरा अखबार पढ़ लिया। देखिए इसके बाद तो आदम की गांधी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। गांधी जी के छोटे बड़े सभी काम वह जो आदम था उसने बड़े भक्ति भाव से करने लगा। सुबह बहुत जल्दी उठकर 4 बजे गांधी जी के लिए गर्म पानी भी तैयार कर देता। उसके बाद वह गांधी जी के प्रत्येक प्रवृत्ति में रस लेने लगा। गांधी जी का भी उस पर अब अत्यधिक प्रेम हो चुका था। अब वो क्या है, गांधी जी के जितने भी रोज के काम होते थे वो आदम जो था उनका वो सारे कामों को करने लगा, बहुत प्रेम से करने लगा और आनंद से खुशी से वो सारे काम करने लगा। एक दिन गांधी जी ने सोचा कि यह हिंदुस्तान में रहता है तो इसे उर्दू सीख लेनी चाहिए, अतः उन्होंने उसे उर्दू सीखने के लिए कहा। आदम ने भी यह बात मान ली और गांधी जी से उर्दू सीखने लगा। गांधी जी भी उन दिनों उर्दू का अभ्यास कर रहे थे, अतः उन्होंने भी इस कार्य में रस उन्हें भी इस कार्य में रस मिलने लगा। अब क्या हुआ, गांधी जी उससे बहुत प्रसन्न थे और गांधी जी की एक मित्रता जैसी हो गई थी उसके साथ, तो उन्होंने सोचा कि ये बाहर का है, ये हिंदुस्तान में रह रहा है तो ऐसा नहीं है कि हिंदी इसको सीखना चाहिए, इसको अपनी भाषा जो उर्दू है वो भी इसे सीखनी चाहिए। तो गांधी जी ने उसको बोला कि आप मेरे से ही उर्दू सीखना शुरू कर दीजिए, और वो उसको गांधी जी क्या करने लगे, उर्दू सिखाने लगे, क्योंकि गांधी जी को भी उर्दू में रुचि थी तो वो बहुत खुशी से उसको उर्दू सिखाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। ठीक है, यहां तक आपका 2.5 2 पेज और हाफ ये आपका आधा और ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद 2.5 इतने पेज और बचे हुए हैं आपके, तो नेक्स्ट वीडियो में ये अपन कंप्लीट करेंगे। ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।